KTM की नई ड्यूक 390 के मीटर कंसोल में इतने सारे फीचर्स हैं, मुझे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ी। इस वीडियो में आप इस मीटर के फीचर्स ही देखोगे कि क्या क्या फीचर्स ये मीटर ऑफर करता है। हैंडल बार और मीटर कंसोल, इन दोनों चीज़ों की बात करूंगा इस वीडियो में, और कुछ बात नहीं करूंगा। उसके अलावा फिर रिव्यू वगैरह आप देख लेना। सच में यार मीटर कंसोल में बहुत ही ज़्यादा फीचर्स है, सब कुछ दिखाता हूँ आप। कुछ इस तरह की आपको वेव की देखने को मिल जाती है। इसको हम इग्निशन में लगाते हैं और ऑन करते हैं, मीटर कंसोल को रेडी टू रेस लिख कर आ जाता है। स्पीड फिर अप से डाउन होती है। यहाँ पर कुछ स्विचेज हैं मीटर को कंट्रोल करने के लिए, अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट, और ये सेट करने के लिए है। ये बैक जाने के लिए भी काम करता है, ये हैजार्ड के लिए काम करता है, वो लो बीम हाई बीम के लिए, और ये हॉर्न और सॉरी इंडिकेटर के लिए, किल स्विच और सेल्फ स्विच यहाँ पर। अब मीटर कंट्रोल की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किल स्विच प्रेस लिखा आता है, इसको हम प्रेस कर देंगे। इसके बाद लिखा आएगा साइड स्टैंड, तो साइड स्टैंड हम हटा देंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा है, अभी मीटर हो गया नॉर्मल। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। अभी बाइक है स्ट्रीट मोड के अंदर। स्ट्रीट मोड में आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का। अभी इसमें तीन मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। हम पहले राइड मोड है, राइड मोड में जाएंगे, स्ट्रीट मोड को करेंगे रेन मोड पे, और उसके बाद हम आ जाएंगे बैक। ठीक है, और अच्छा अभी भी ऐसा ही है, लेकिन आई थिंक ट्रैक मोड में तो इसकी डिस्प्ले चेंज हो जाएगी। ट्रैक मोड हमने डाल दिया, हम आ गए बैक। हाँ, ट्रैक मोड में एनिमेशन चेंज हो गया है। तो इस तरह के एनिमेशन आपको डे एंड नाइट वाले एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। अभी एक काम करते हैं, दोबारा मेन्यू के अंदर जाते हैं। अब ट्रैक मोड के अंदर आपको लैप टाइमर भी देखने को मिल जाता है। लैप अगर आपको रिकॉर्ड करनी है, लैप मतलब ट्रैक वगैरह आप बाइक चलाते हो ट्रैक के ऊपर, तो टाइमर रिकॉर्ड कर सकते हो लैप टाइमर। उसके अलावा सबसे पहला फीचर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक घड़ी सी बनी आ रही होगी। ठीक है, आप देख रहे हो इसके अंदर लैप टाइमर और डिलीट और लैप्स, लैप रिकॉर्ड भी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, और सारी लैप्स को आप एक बार में डिलीट भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ से बैक जाएंगे और दूसरे फीचर की बात करते हैं, दूसरे में क्या क्या है। तो दूसरे पे आगे यहाँ पे मोटरसाइकिल लिख के आ रहा है। यहाँ पर राइड मोड है, जहाँ से आप अपने राइड मोड चेंज कर सकते हो, ट्रैक, रेन और स्ट्रीट। हाँ, ये तीन राइडिंग मोड है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे ABS का आ जाता है। ABS को अगर आप करते हो तो यहाँ पर रोड मोड और सुपर मोटो मोड है। सुपर मोटो मोड अगर आप इनेबल कर देते हो तो रियर ABS आपका बंद हो जाएगा, ओनली फ्रंट ABS ही आपका काम करेगा सुपर मोटो मोड के अंदर। और रोड मोड रहेगा तो यहाँ पर आपको दोनों ABS इनेबल हो जाएंगे, दोनों ABS काम करेंगे। तो अभी आ जाते हैं MTC। MTC है मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पर अंदर जाने के बाद आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑन और ऑफ़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने फिलहाल ऑन पे छोड़ दिया। उसके अलावा लॉन्च कंट्रोल है। लॉन्च कंट्रोल को अगर आप ऑन कर देते हो तो बाइक मतलब जो फुल पावर भी आधे देते हो ना, बाइक अपने हिसाब से लॉन्च होती है, आपको ज़्यादा सेफ भी रखती है। अगर आप नए नए हो, कोई छोटी बाइक से शिफ्ट किया आपने बड़ी बाइक के ऊपर, तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसको ऑन करके ही बाइक को लॉन्च करना, बाइक ज़्यादा परफेक्ट तरीके से लॉन्च होगी। उसके अलावा फिर बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पर एक आई बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर आ जाती है भाई बाइक की इन्फॉर्मेशन। ये बाइक की इन्फॉर्मेशन है बाइक की हर एक चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाता है कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट का क्या टेम्परेचर है। उसके अलावा फ्यूल रेंज, बचे हुए पेट्रोल में कितने किलोमीटर बाइक और चल जाएगी। बैटरी वोल्टेज है, ऑडोमीटर है। सर्विस के लिए आपको दिखा देता है कि ड्यू इन 7359 कितने किलोमीटर पर आपकी बाइक की सर्विस है, डेट वगैरह और सर्विस मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है। अभी मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड चलता है ना यार ये TFT मीटर, तो सॉफ्टवेयर का वर्जन आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ आ जाता है ट्रिप इन्फॉर्मेशन को लेकर। यहाँ पर ट्रिप इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का देख सकते हो। ट्रिप वन में कितने किलोमीटर बाइक चली है, ट्रिप वन का टाइम क्या रहा है, और कंजप्शन फ्यूल कंजप्शन क्या है कि एक लीटर में मतलब जो माइलेज आपकी 19.9 किलोमीटर प्रति लीटर की, मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट करी, टॉप स्पीड चेक करी है, तो उस चक्कर में माइलेज बहुत कम रहेगी इस बाइक की। तो बट ठीक है, मतलब क्या बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा भगाया भाई। टॉप स्पीड देखना आप, परफॉर्मेंस टेस्ट देखना, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। और सेम यही सब इन्फॉर्मेशन आप ट्रिप टू के अंदर भी देख सकते हो। ट्रिप टू के अंदर क्या क्या माइलेज दे रही है, कितना डिस्टेंस किलोमीटर कवर किया, ये सब चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है ये जो आप छोटी सी नीचे घड़ी देख रहे हो, ये मीटर कंसोल का है। तो अगर ये डिसेबल है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका मतलब आपकी बाइक है वो ट्रैक मोड में। ट्रैक मोड में वो इनेबल नहीं होता है, देखो आप दिखा देता हूँ, डिसेबल हो गया है वो ना। तो इसको दोबारा से स्ट्रेट मोड में डाल लेते हैं, और स्ट्रेट मोड में डालने के बाद दिखाता हूँ उसका काम क्या है। तो अभी स्ट्रेट मोड में मैंने डाल लिया है, अभी इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ से होती है स्पीड कंट्रोल आपकी बाइक की। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप स्पीड को कंट्रोल लिमिट कर सकते हो, तो लिमिट भी सेट हो जाती है स्पीड की, तो उस लिमिट से ऊपर फिर बाइक जाएगी नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन का, जो कि आप स्मार्टफोन कनेक्ट करोगे तो उससे नेविगेशन ऑन होगा। अभी ये डिसेबल है, तो अभी स्मार्टफोन हमने कनेक्ट किया नहीं है, मीडिया बाइक है, तो उसको अगर ऑन कर पाते तो वो मैं आपको दिखा देता कि नेविगेशन कैसे क्या दिखता है बाइक के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है म्यूजिक कंट्रोल के लिए, म्यूजिक भी आप कंट्रोल कर सकते हो इन्हीं स्विच के द्वारा मोबाइल कनेक्ट करने के बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर आ जाता है ये वाला सेटिंग्स, यहाँ पे देख रहे हो ना तीन लाइन्स ही है क्रॉस हो रही है। तो सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर
बहुत सारे ऑप्शन है फेवरेट्स, फेवरेट्स में जाने के बाद आप फेवरेट को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फेवरेट पे, मतलब आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कहने का मेरा मतलब है कि ये चार नीचे ऑप्शन आते हैं ना, नीचे जो चार ऑप्शन आते हैं इनको चेंज कर सकते हो कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ रखनी है। जैसे फेवरेट वन पर मुझे अभी ऑडोमीटर है तो ऑडोमीटर रखने देता हूँ, बाकी ऑडोमीटर को चेंज नहीं करते हैं। फ्यूल रेंज को हमें चेक कर, फेवरेट टू के अंदर फ्यूल रेंज है तो हम इसको चेंज करना है, तो फ्यूल रेंज की जगह डेट, बैटरी, कूलेंट टेम्परेचर, हाँ कूलेंट टेम्परेचर को हम सेट कर देते हैं। तो ये हमने सेट कर दिया है, यहाँ पर डेट है, ट्रिप वन डिस्टेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने सेट कर दी। मतलब ये फेवरेट क्या है, ये फेवरेट है आपके मीटर कंसोल में नीचे जो चार चीज़ आ रही है, इन चारों चीज़ को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो वो फेवरेट है। अभी दोबारा चलते हैं सेटिंग के अंदर। क्विक सेलेक्टर है कि आप वाले स्विच से क्या चीज़ सेलेक्ट करो, मतलब और डाउन चीज़ से क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है आपको। तो एक होता है ना कि फास्ट आपको वो चीज़ करनी है, जैसे कि आपको रेड मोड चाहिए, कि जैसे अप वाले स्विच पे आपने राइड मोड डाल दिया तो राइड मोड सेलेक्ट कर दोगे तो राइड मोड के लिए आपको मेन्यू में नहीं आना पड़ेगा, आपको बस ऊपर वाला स्विच दबाना, राइड मोड वाला जो फंक्शन है वो यहीं से ऑन हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर आपको किसी फीचर को इनेबल करना है या फिर एक्सेस करना है तो उसके लिए डायरेक्ट आप स्विच को एक्सेस कर, मतलब स्विच को दबा कर एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्विक सेलेक्टर है। जैसे अपने छोटे नोकिया वाले फ़ोन में 1, 2, 3, 4, 5 पे अपन स्पीड डायलर अपना आता था, एक नंबर पे अपने पापा का फ़ोन लग जाएगा, 2 नंबर चाचा फ़ोन लग जाएगा, कुछ वैसा कनेक्टिविटी आ जाता है। उसके बाद यहाँ से आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ पेयर कर सकते हो, फ़ोन पेयर, उसके अलावा हेडसेट को पेयर कर सकते हो, और हेडसेट टाइप को, तो मल्टीपल टाइप की आपको पेयरिंग देखने को मिल जाती है, कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है मल्टीपल टाइम की। उसके अलावा यहाँ पर क्विक शिफ्टर को ऑन और ऑफ़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर शिफ्ट लाइट आपको देखने को मिल जाती है कि आपकी जो बाइक की जो शिफ्ट लाइट है, मतलब जैसे हाई आरपीएम पे आपकी बाइक जाती है तो वो जो लाइट होती है, मतलब मीटर में जो लाइट ब्लिंक करती है ना हाई आरपीएम वाली, वो कितने आरपीएम पर करनी चाहिए और उसको आप अपने हिसाब से सेट करते हो। जैसे कि इसमें सेट है 10,000 आरपीएम पे आरपीएम 2 के अंदर, और आरपीएम फर्स्ट के अंदर ये सेट है 8,500 आरपीएम पर। तो ऐसे आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो। तो अभी शिफ्ट लाइट भी अपनी हो गई है। उसके अलावा क्लॉक एंड डेट को भी आप सेट कर सकते हो। तो क्लॉक एंड डेट को हाँ मैं चेंज क्यों करूँ यार, मेरी बाइक थोड़ी ना है। यूनिट को आप चेंज कर सकते हो, किलोमीटर को आप मील में चेंज कर सकते हो, मील में रखना है किलोमीटर रखना है। उसके अलावा टेम्परेचर की यूनिट को चेंज कर सकते हो कि किस तरह से आपको देखना है। उसके अलावा कंजप्शन किलोमीटर प्रति लीटर देखना है या फिर USG, भाई ये क्या है तो मैंने देखा ही नहीं, भाई होगा तो कुछ होगा, कोई बात नहीं, हमें ना पता इसके बारे में, बैक कर लेता हूँ मैं अभी। लेकिन ये माइलेज के लिए कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर प्रति लीटर में क्या माइलेज दे रही है, तो उस हिसाब से आप वो जो यूनिट है ना उसको चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें UK की है, UK का फ्लैग है, ड्यूटच इसका फ्लैग है, इटालियन का फ्लैग है, फ्रांसिस्को पता नहीं, सारे फ्लैग है, बस इंडिया का फ्लैग नहीं है। इस चीज़ का बुरा लगता है मुझे, इंडिया का फ्लैग भी होता है तो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग आता है बाइक के ऊपर। लैंग्वेज आती है अपनी हिंदी, इसलिए बोलता हूँ भाई हिंदी को प्रमोट करो भाई, मुझे इंग्लिश ना आती इस वजह से बोल रहा हूँ। वैसे इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती है, पर ठीक है इतनी ज़्यादा ना आती, बेइज्जती होगी यार ना। तो ये सब फीचर्स है, अगर आपको सारे फीचर्स अनलॉक करने, सारे फीचर्स यूज़ करने हैं तो आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो सारे फीचर्स आप देख पाओगे। अभी मैंने साइड स्टैंड लगा दिया तो देखो, अगर आपने मेन्यू खोल रखा तो साइड स्टैंड इस तरह से दिखा देता है, इतना बड़ा बड़ा लिख के आता है कि साइड स्टैंड लग गया है। और ऊपर भी बहुत सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं, स्पीड लिमिट के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए, यहाँ देखना मैंने अभी मीटर को ऑफ करके ऑन किया, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल दूंगा, आप देख लेना भाई, दूंगा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, देखने से पहले चला जा रहा है। बाकी हाँ वही सब फीचर्स हैं, वो हीटिंग के लिए होगा या माले फंक्शन लाइट होगी, लो इंजन ऑयल के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ के लिए, ABS के लिए, उसके अलावा स्पीड लिमिट के लिए, तो हाई बीम के लिए, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर के लिए, वही सब इंडिकेटर्स आपको सब ऊपर देखने मिल जाते हैं, और तो क्या ही होगा। उसके अलावा गियर इंडिकेटर है, और लो इंजन ऑयल के लिए, स्ट्रीट कौन से मोड में बाइक स्पीड के लिए, ये आपका आरपीएम मीटर हो जाता है। यहाँ पर फ्यूल गेज हो जाता है, सफ़ेद वाला देख रहे हो ना, ये फ्यूल गेज है। ABS रोड मोड में है, MTC ऑन है, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, ये सब फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सब फीचर्स थे भाई मीटर के अंदर। मोबाइल कनेक्ट करने के बाद और भी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फीचर्स इतने ज़्यादा थे, वीडियो बहुत बड़ी बन गई, इस वजह से मैंने इस वीडियो को अलग से रखा था कि रिव्यू वीडियो में इसको बहुत ज़्यादा लेंथी बनाकर आपको डिस्टर्ब ना करूं, रिव्यू वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा मीटर के बारे में, इस वजह से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दिए। वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक कर लेना, बाकी अपने बाइक के चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ी बोरिंग थी क्योंकि मैं खुद बोर हो गया इस मीटर के फीचर बताते, लेकिन फीचर्स बहुत सारे हैं, मजा आ गया देख के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो यार।